लोग चाहते हैं सरकार नहीं आएगा तो बहुत अच्छा आएगा। किसका सरकार नहीं आएगा? हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी आएगा। भारतीय जनता पार्टी आएगा? हाँ। क्या नाम बताएं? नाम क्या बताएं? भारतीय जनता पार्टी। अपना नाम क्या बताएं? मस्करा खातून है। मस्करा खातून मुस्लिम है, है। आप कहती हैं भारतीय जनता पार्टी आएगा, इसलिए है। जरा इधर देखिए ना, तो लोग कहता है, पब्लिक कहता है कि मुसलमान को तो बीजेपी पसंद नहीं है, ना बीजेपी को मुसलमान पसंद है। नहीं, गलत बात है। देखिए मोदी जी जब भी सरकार में जब भी पहली बार आया है, उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत उन्नयन किया है। प्रधानमंत्री योजना जो बहुत लोग गरीब लोग घर पाया है, इसलिए मैंने बहुत खुश हुआ। अच्छा, लोगों को घर मिला आपके गांव में? हाँ, और भारी प्रधानमंत्री योजना जो गैस बहुत गरीब आदमी को मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। महिला होने के नाते कितना सुरक्षित यहाँ पर महसूस करती है? यहाँ पर बहुत ही अच्छा सुरक्षित है। अकेले लड़कियाँ बाहर जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात रात तक अकेले आ सकती है लड़कियाँ। विकास हुआ है आपके इलाके में? हाँ, बहुत विकास हुआ है। ये बताइए, आप राज्य सरकार जो काम कर रहा है, क्या उससे संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत संतुष्ट है उसके लिए। राज्य सरकार जो काम कर रही है बहुत ही अच्छा कर रही है। और ये बताइए कि जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है विकास की बात हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि विकास के मामले में आप लोगों का समुदाय कहीं पीछे रह गया है और गुजरात में अन्य लोग आगे हैं, या आप सब लोग एक साथ विकास कर रहे हैं? सब साथ में ही विकास आगे बढ़ रहे हैं, सब साथ में ही विकास हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे तो। आपको लगता है कि गुजरात में बंगाल से बेहतर परिस्थिति है? बंगाल से तो काफ़ी अच्छा है, गुजरात में है। काम फाम में तो सब उड़ गया था, तब वो टीएमसी से ले गया था, किंतु कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। अम्फन में क्या हो गया था? अम्फन में घर पूरा हम लोग को उड़ गया था, अब ऊपर में है वो भी उड़ गया था, टीन डब्बा सब उड़ गया था, उड़ गया था, मगर कुछ नहीं दिया। सरकार की तरफ से क्या मिला? कुछ नहीं मिला। ये बताइए, गुजरात में इस वक्त माइनॉरिटी की क्या हालत है, या मुसलमान जो है वो किस परिस्थिति में है? देखिए, हम तो गुजरात में बरसों से है, दो तीन पीढ़ी से है, लेकिन यहाँ का हालत कोई खराब नहीं है। यहाँ धंधा व्यापार रोजगार सब अच्छे हैं, बंगाल से हैं, लेकिन मेरा गांव का नाम है मिर्जापुर। हाँ। पोस्ट तारकेश्वर, डिस्ट्रिक्ट हुगली, और पश्चिम बंगाल में से आया हूँ। जब 1973 में मैं आया हूँ, मेरा बाप दादा तो और आगे आए हैं। हाँ। लेकिन वहाँ से आने के बाद यहाँ लाखों, ऐसे 5 से 6 लाख बंगाली यहाँ है। हाँ। और मैं उसका पूरा गुजरात का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। हाँ। और जो बंगाल में आप लोग धंधा वगैरह नहीं कर पाया, गुजरात में आके तरक्की करा और बहुत अच्छा हम लोग सेटल हो गया।